ओके, तो आज के अपनी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है मेरी रैबिट के साथ। बहुत ही प्यारा नहीं, शैतान रैबिट है। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप यू गाइस आर परफेक्टली ऑल राइट। बिकॉज सीन क्या है मतलब, तो बिकॉज सीन ऐसा है कि मतलब अभी अभी बारिश गिर के अभी चली गई है एंड अभी हम सोच रहे हैं कि बाहर जाके ब्लॉग बनाए। बिकॉज एक हफ्ता हो गया मैं कहीं गया नहीं, घर पे बैठा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो लिटरली मतलब पक गया था घर पे एंड आज सोचा कि चलो कैमरा उठाते हैं, अरे चाबी लेते गाड़ी के एंड निकल जाते हैं। सो या एंड मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी है आज। सो बाय द वे गाइस, अगर आप म्यूजिक एंड मीवी के लवर हो तो हियर इट इज़ अ मीवी, दिस इज़ अ मीवी एयरपोर्ट A25। तो लास्ट 2 वीक्स से मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एंड बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, मतलब बहुत ही साउंड क्वालिटी इज़ अमेजिंग। तो आप ये ज़रूर से परचेज कर सकते हो एंड दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन वीडियो, मीवी ने मेरे को पैसा वैसा कुछ दिया नहीं है, तो मैं खुद से अपने मन से बोल रहा हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया है एंड अगर आपको खरीदना है तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो जाके ले सकते हो। तो अभी बस निकलते हैं, बाय बाय। आज ज़्यादा ही पब्लिक है आज एंड अपनी शुरुआत हो रही है आज पनवेल के खड्डों से। तो पनवेल में बहुत ज़्यादा खड्डे हो चुके हैं। ओ भाई, उनको संभाल के गाड़ी चलानी पड़ती है पनवेल में, मार्केट एरिया में खास करके। तो AIDA चालू हो चुका है, ट्रैफिक जाम। अभी एंड यहाँ पे ट्रैफिक क्यों होते हैं मालूम है, ये जो कार वाले हैं वो बीच में लगा देते हैं साइड कॉर्नर में, इनके वजह से ट्रैफिक हो जाती है। वो देखो वहाँ पे टेम्पो वाला है एंड जो कार है वो पास नहीं हो रही है, उसके वजह से अभी ट्रैफिक लग चुका है यहाँ पे। तो बार बार बज गए यार एंड अपना साइलेंसर है वहाँ पे लग गई थोड़ी गाड़ी, उनकी लग गई, मेरी साइलेंसर को कुछ हुआ नहीं। तो ये देख सकते हो ऐसे कुछ हालात है पनवेल के, मतलब ए यार मैं कहीं से भी घुस जाते हैं यार इतनी छोटी सी रोड में। पता कि अपने को गणपति की थोड़ी शॉपिंग करनी है बिकॉज गणपति नजदीक आ रहे हैं। तो कल ही जन्माष्टमी होके गई कल, तो यहाँ पे एक छोटा सा काम है वो कंप्लीट करके आपसे मिलता हूँ। चलो तो भाई, सो दिस इज द नेक्स्ट डे गाइज एंड अभी बज रहे हैं 2:00। तो कल मैं फोटो व्लॉगिंग करके आ गया था घर पे एंड उसके बाद मैंने व्लॉग छुट्टी नहीं किया। अभी गाइज मैं सुबह मम्मी को लेके गया मार्केट में एंड मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर ली है। सो या गाइस, गणपति की शॉपिंग पूरी हो चुकी है, डन एंड मैं अभी बताता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लिया। तो फर्स्ट गाइस, दिस मैंने ये शॉर्ट लिया है, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा था, ये बहुत बढ़िया लग रहा था इसके लिए मैंने ले लिया इसको एंड इसके साथ एक टी शर्ट। तो ये रही टी शर्ट गाइस, तो मैंने कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन लिया है, कॉम्बिनेशन है इसके ऊपर ये। सो दिस इज गाइस, मेरे को पैंट लेनी थी तो मैंने पैंट भी ले ली है।
स्वेट पैंट एंड मेरे को ये जो है ये शर्ट है। तो ये जो शर्ट है वो मेरे को पसंद आया, खास करके मम्मी को पसंद आया, तो मैंने बोला क्यों ना इसको भी बाय किया जाए। सो पूरा फ्लावर टाइप का है एंड थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसके वजह से मैंने इसको भी बाय कर लिया। बॉक्स तो ये रही एक टी शर्ट और एक टी शर्ट अपने पास आ चुकी है। तो ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी, ये और ये वाली। सो दिस एंड दिस मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड ये शॉर्ट भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। लिटरली मतलब बहुत घुमा हूँ इसके लिए एंड फाइनली अपनी शॉपिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। एंड और एक चीज़ है, ये इट इज सो ये मेरे को बहुत ज़्यादा कूल लगी। इट रियली लुक नाइस गाइस एंड अपनी गणपति की शॉपिंग पूरी हो चुकी है एंड बहुत बढ़िया लग रहा है अभी, इसीलिए मैंने ये व्लॉग थोड़ा कंटिन्यू किया। एंड मतलब मम्मी को लेके गया था एंड मम्मी के साथ शॉपिंग पूरी के लिए, बिकॉज कल भी गया था, दो तीन टी शर्ट्स लिए देखे थे मैंने बट लिए नहीं बिकॉज बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे। एंड मतलब आज मैं मम्मी को लेके गया तो बहुत मतलब कि बार्गेनिंग मस्ट बी देयर एंड मम्मी से अच्छी बार्गेनिंग कोई कर नहीं सकता, ये ट्रू है। सो अगर आप भी आपके मम्मी के साथ जाते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आशा करता हूँ गाइज ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो गाइज मिलते हैं किसी और किसी व्लॉग में और किसी वीडियो में, टिल देन गाइज बाय 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 बाय।